वसीम साहब को सलाम, सलाम पाकिस्तान में, आपका मेज़बान साजा गौरी। आप देखें प्रोग्राम करवा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर जो मसरूफियात चल रही हैं लोगों की, सियासी लीडर्स की, पाकिस्तान में एक लॉन्ग मार्च भी चल रही है, जो भी उनका भी ये कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम अपने वक्त के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। इस वक्त जनरल इलेक्शन कब होगा ये तो भी फैसला होना है, लेकिन हमारी पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टीज जो बनी हुई हैं वो माइनॉरिटी की हैं, और वो क्या कर रही हैं, क्या लायमल लेके आ रही हैं, क्या जनरल इलेक्शन में करेंगी, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस वक्त ये पार्टीज जो हैं अपनी तरफ से कौन कौन से जो हैं नुमाइंदगान जो इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, तंजीम साजी हो रही है। जी, हमारे साथ माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र रियासत शाही साहब मौजूद हैं, और साथ ही जनरल सेक्रेटरी शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही पाकिस्तान के अंदर सियासत की, माइनॉरिटी के जो अगर आज़ाद उम्मीदवार या पार्टी के हवाले से इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं लोग, वो क्या मंशूर लेके आ रहे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी क्या रोल अदा कर रही है? जी शहजाद भाई, पहले आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपके प्यार और मोहब्बत का आपने मधु किया और माइनॉरिटीज की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करने का मौका दिया। मैं शहजाद बशीर भट्टी एज ए जनरल सेक्रेटरी, हमारा जो मंशूर है, हमारा जो पार्टी की क्यादत है, इस वक्त जो हम सोच विचार कर रहे हैं, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप 1973 के आयन के आयन को देखें, 1973 के आयन के देखें, तो उसके अंदर जो है अकलियतों की अकलियतों को बिल्कुल तहफ्फुज़ दिया गया है। उसमें हमारा प्रपोशनल सिस्टम जो था वो नहीं था, उसमें ये होता था कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम था, हमारे लोग, हमारे MNA और हमारे MPA जो थे वो इलेक्शन कंडक्ट करके आते थे और अपनी जो माइनॉरिटीज होती थी उनके जो फलाह बहबूद के लिए काम करते थे, और जो हमारे मसले मसाइल होते थे उनको हम अपने नुमाइंदों के जरिए हल करवाते थे। जरूरत इस समर की है, आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कवानीन की या फिर आयन की दजिया उड़ाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 226 है जो कि तमाम पाकिस्तानियों को इजाजत देता है कि आप अपने अपने हलकाबाद में आर्टिकल 226 की रूह से लड़ सकते हैं, और ये आर्टिकल 226 की खुलेआम वायलेशन है। माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस चाहती है कि हम हमारे नुमाइंदे जो हैं वो सिलेक्ट ना किए जाए, वो इलेक्शन लड़ के आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मसले मसाइल है वो सिलेक्शन सिस्टम से नहीं हल हो सकते, वो इलेक्शन सिस्टम से हल हो सकते हैं। आप देखिए कि हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो इलेक्शन जो पार्लियामेंट में जाए, हमारे नुमाइंदे अपने वोट की ताकत से हम अपने नुमाइंदों को है वो पार्लियामेंट के अंदर लेके जाए। जी साजिद भाई। जी रियासत भाई, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी के, और इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है जो कि पाकिस्तान के अंदर आप काम कर रहे हैं, और स्पेशली सिंध के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, और कराची एक वो शहर है जहां पर मुआशियत जो है पाकिस्तान की वो चलती है, तो आप इस वक्त जो पार्टी के अंदर क्या लायमल लेके आ रहे हैं, जबकि नया साल भी आने वाला है, तो क्या पार्टी की तरफ से आप लायमल लेके आ रहे हैं? शुक्रिया साजिद भाई, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत ज्यादा मशकूर हूं, और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। मैं समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हालांकि करना तो सबको चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं आटे में नमक जैसे हैं आप जैसे लोग जो इस अहमियत को समझते हैं और जो इस पे काम कर रहे हैं। मैं फिर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी कावज को सराहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहें और कौम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करें। जहां तक हमारे मंशूर का तलक है, जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, और हमारी जो जदोजहद है, हमारी जदोजहद सिर्फ यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कोई बेहतर से बेहतर ऐसा कोई हल तलाश करें जिससे हमारी कम्युनिटी को कोई फायदा हो, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है
उसमें हमें हम किसी तरह भी फिट नहीं है और किसी तरह भी हमारे लिए कोई वो अच्छा निज़ाम नहीं है, जिसकी बहुत सारी मसाले हैं। लेकिन मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं तकरीबन 30-35 साल से ये पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने वो जो जुदागाना सिस्टम है वो सारा माहौल देखा, वो सारी स्ट्रगल देखी लोगों की। तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान था हमारी कम्युनिटी ने, उसमें स्पेशली जो पॉलिटिकल वर्कर थे, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमारे जो नौजवान है वो आगे आए उसमें, वो सिस्टम में। तो हमने बहुत ज्यादा उसमें तरक्की की। जहां तक हमारी एक्टिविटीज का तल्लुक है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर इशू पे जो हमारी कम्युनिटी का है उस पर बात करें, उस पर स्टैंड लें। और खुदावंद का शुक्र है कि जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है या माइनॉरिटी पीपल अलायंस, पूरे पाकिस्तान में अगर सैलाब पे किसी ने कोई काम किया है तो मेरा ख्याल है माइनॉरिटी पीपल अलायंस ने किया है, या फिर उसके बाद जो है देखा देखी मजहबी लोगों ने किया हुआ। तो हम तो मेरे भाई हम अपनी जदोजहद को इसी तरह में रखे हुए हैं मजबूत। और आइंदा हमारा क्रिसमस से प्रोग्राम है वो भी यही है कि हम 50 जो विडोज हैं उनके साथ क्रिसमस बना रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम कम से कम 500 की गैदरिंग जो कर रहे हैं, उसमें हमारे दोनों बिशप साहबान भी होंगे। हम उनके साथ भी ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आप भी कुछ अपना रोल अदा करें ताकि इस कम्युनिटी का कुछ ना कुछ जो मसला हल हो। अच्छा जी भाई, जनरल इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो इस वक्त आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं कि जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ लोग हैं जिनको सुनिला जाना चाह रहे हैं आप? देखिए साजिद भाई, इलेक्शन लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जो इलेक्शन है ये हमारे लिए किसी तरह भी सूट नहीं करता। और चूंकि ये तो हम सिर्फ अपना शौक पूरा कर सकते हैं और पैसा जाया कर सकते हैं, वरना इसका कोई रिजल्ट नहीं हमें मिलने लगा। तो मेरे ख्याल में तो हमें स्ट्रगल जो है ये एक अच्छा है कि लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम भी अपनी पार्टी की तरफ से अभी इस पे काम करेंगे कि आया हमें भी कि किस कोई फैसला करना है कि क्या करना चाहते हैं चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे कराची के अंदर जो कि अभी तक नहीं हो सके, उसमें कुछ आपकी तरफ से लोग नॉमिनेट हुए थे कि वो इलेक्शन लड़ने के तैयार से काउंसलर्स के हवाले से? नहीं, हमें देखिए मैंने तो आपको बताया ना कि इस सिस्टम में जो मौजूदा सिस्टम है इसमें हमें कोई फायदा ही नहीं है। हम भले जीत भी जाएंगे ना तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये जो हमारे जितने भी बने हुए हैं वो इतने वो चिपके हुए हैं लोगों के साथ कि किसी सीरियस बंदे को सामने आने नहीं देते। तो जब तक हम ये अपने स्ट्रगल जुदागाना के हवाले से इसको नहीं करें तब तक मेरे ख्याल में ये हम कुछ भी जो है ना हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कराची की अगर बात करते हैं तो आपकी पार्टी के साथ साथ और भी जमातें हैं जो कराची के अंदर काम कर रही हैं। एक तो प्रॉपर्टी केस जो जहां पर सेमिनरी बनी हुई मिसमार किया जा रहा था, और दूसरा गोरख कब्रिस्तान के अंदर एक बच्ची के साथ जो कहती बयान दिया जो सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, इस हवाले से कुछ पता है भाईजान? ये जितने भी है ना ये दोस्त हमारे जो ग्रुपों में है, एक्चुअली देखें हर बंदा जो है ना यहाँ पर तो पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई जो मुस्तकिल प्लेटफॉर्म नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जो है ना वो ढांक रहा है। ठीक है, जाहिर है अगर कोई बेहतर प्लेटफॉर्म हो उस पर बात की जाए तो उसका कोई असर और होता है। इंडिविजुअली हर बंदा अपनी बात करता रहे तो उसकी कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने आप को शो करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी 5 सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के, वहां पर आपके इस वक्त माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस के नुमाइंदगान मौजूद हैं, तंजीम शादी हुई वहां पर? जी जी बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, हमारे जो केपीके के सदर हैं वो गुलफाम भट्टी साहब हैं, हमारे जो बलूचिस्तान के सदर हैं वो पीटर आमी साहब हैं। ठीक है, ये MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, जब जुदागाना सिस्टम था तो ये MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे गुलफाम भट्टी साहब हैं वो पिछले टोनोर में चेयरमैन थे, वहाँ पे जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी काउंसलर थे ना बल्दिया के, ठीक है, ये उनके चेयरमैन थे। और हमारे पंजाब के खालिद साहब हैं वो पंजाब के सदर हैं, इसी तरह सिंध में भी सदर हैं शमशाद गिलगित में नहीं, गिलगित में नहीं है फिलहाल। अच्छा ठीक है,
जी साजिद भाई, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। मौजूदा जो कराची में सूरत हाल आप बता रहे हैं, जी 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 बोले जी बोले पे, और वो जी थैंक यू वेरी मच। उसमें ये है सर कि ये कोई कौमी काम नहीं है, अपने वो अपने मुंह के ऊपर खुद ही थप्पड़ मारने वाली बात है। हमारा जो स्टांस है, हमारा जो मौकफ है और हमारे जो बयानात है या हमारा जो बयानिया है, हम चाहते हैं कि हम कौमी काम की तरफ, कौमी कामों की तरफ जाएं, कौमी कामों की तरफ तवज्जो दें, और अपने लोगों के ऊपर जो है ये तरह तरह के जो इल्जाम तराशिया है उनको बंद किया जाए और कौमी कामों की तरफ आया जाए। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही माइनॉरिटीज को जो है वो सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे और इक्तसादी तौर पे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान हमारा घर है और रियासत हमारी माँ है। रियासत को ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, इक्तसादी तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे जो है वो हमें दीवार के साथ लगाया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो जुदागाना सिस्टम है, हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, उसको बहाल किया जाए और प्रोपोर्शनल सिस्टम को खत्म किया जाए। आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत 3.5-4 साल रही है, उसमें सिलेक्टेड सिलेक्टेड का नारा लगा के उसको हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से। अब और हमारे हमारे हम जो मजलूम है, हमारे ऊपर जो परवेज मुशर्रफ की 22 साल जो हमारे ऊपर जो नुक्ता डाल दिया गया, ये 22 साल जो हमारे ऊपर ये सिलेक्टेड एमएनए और एमपी आ रहे हैं, हमारे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता, माइनॉरिटीज से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप क्या चाहते हैं। माइनॉरिटीज के जितने भी मकबा फिकर के लोग हैं, जिसमें टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, बिशप साहिबान हैं और बहुत सारे लोग जो है वो वक्तन फाक्तन हमारे साथ बात करते रहते हैं और हमारे इस स्टांस के साथ, हमारे इस मौकफ के साथ और हमारे बयानी के साथ वो खड़े हैं। थैंक यू जी। लेकिन देखा जाए तो अगर 2000 मुशर्रफ का दो, तो 2000 जो है 8 में खत्म हो गया था, 2008 में नए इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी जो इकतदार में आई, तो क्या उस वक्त जो हमारे लीडर थे उन्होंने इस बात के ऊपर आवाज ही उठाई कि सिलेक्शन खत्म की जाए, इलेक्शन करवाए जाए, माइनॉरिटीज को सामने लाया जाए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साजिद भाई। देखिए उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कुछ और थी और पाकिस्तान में जो जब मुशर्रफ ने सारी चीजों को सबकदोश किया और सब चीजों को खत्म कर दिया सिलेक्शन इलेक्शन सिस्टम को, तो उसके बाद जो पार्टी बनी वो आपके सामने थी, उसमें फिर उनके अपने मुफादात थे, उनकी अपनी चैनगोइयां थी और उनके अपने जो थे वो उन्होंने अपने अपने खानदानों को प्रमोट किया, अपने अपने खानदानों को आगे लेके। आज देखे थे पाकिस्तान के अंदर कोई 300 या 400 खानदान है वही मारूसी सियासत की तरफ पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ ज्यादती है और माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती है। हम हर प्लेटफॉर्म पे, कोई पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, नून लीग का प्लेटफॉर्म हो, हमारे जो नुमाइंदगान है, हमारे जो माइनॉरिटीज के जो विंगो के अंदर लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इस बात की डिमांड करें कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम सिलेक्शन नहीं चाहते। शहजाद भाई, हमारे प्लेटफॉर्म पे मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं पार्टी के हवाले से? जी बिल्कुल। पैगाम ये है कि सर आए पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान को महकूम व मजबूत करें और पाकिस्तान की तरक्की और फला बहबूद के लिए काम करें। और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस एक वाइड प्लेटफॉर्म है जो अकलियतों की आवाज बन रहा है और हम जो अपने अकलीती लोग हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, कैलाशी हैं और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आए माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस को ज्वाइन करें और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को के आइन को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का साथ दें। जी रियासत भाई, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी के, आपको पैगाम देना चाह रहे हैं? साजिद भाई आपकी मेहरबानी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि हम लोग माइनॉरिटी पीपल अलायंस की तरफ से हमने कराची में कुछ मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जिसमें ईसा नगरी, आप जानते होंगे कि ईसा नगरी गली नंबर 6 में हमने एक कम्युनिटी सेंटर था जो हमने
तकरीबन बहुत पहले बना हुआ था जो सलीम कोकर साहब ने बनाया था, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। तो अभी हमने जो है ना मिनॉरिटी पीपल अलायंस के प्लेटफॉर्म से उसके लिए 1 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर कराई है और वो काम जो है जारी है। इसी तरह हमने ईसा नगरी में एक अवामी चर्च के नाम से बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी है और उसमें हमने 40 लाख रुपए का काम करवाया है। इसी तरह करंगी अगर 2.5 नंबर करंगी मरियाबाद एक कॉलोनी है जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए जो है वो उसमें फंड में रखवाए हैं, ADP जो स्कीम होती है उसमें रखवाए गए हैं। तो इसी तरह हम गायब गाय अपने लोगों के लिए कोशिश करते हैं और जैसे जॉब के लिए लोग एप्लीकेशन वगैरह जमा कराते हैं फिर उनके लिए भागदौड़ करना ये करना उसके पे भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो खुशहाल हो और उस पे वो काम करे। बाकी मेरा अपनी कम्युनिटी के लिए यही पैगाम है कि वो जद्दोजहद में शामिल हों और कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि जो बंदा हिम्मत हार जाता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इमरान खान की जद्दोजहद आपके सामने है कि उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है ना वो कामयाब है। तो इस तरह मैं अपने लोगों से भी कहूंगा कि वो हिम्मत ना हारे। हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो हिम्मत ना लोग हारे बल्कि आगे 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 बढ़े और इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। जी सर जी, बहुत शुक्रिया रियासत भैया आपका भी और शहजाद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र रियासत शाही साहब और जनरल सेक्रेटरी जो हैं शहजाद भट्टी साहब आपका हमें टाइम देने का, और जिस तरह आप अपनी पार्टी को अपने वजूद में लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली आप कराची के अंदर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हम वहाँ पर जॉब्स के हवाले से लोगों को भी एप्लीकेशन ले रहे हैं, फ़ंड भी जनरेट करवा रहे हैं और काफ़ी सारे मामलों को देख रहे हैं। हम उन मामलों को देखते हैं जो अवामी जो काम है, जो ज़रूरत है कौम को अवामी कामों की, तो हमारी सियासी पार्टी है तो हम उसके लिए हर मसीह कौम को जो बंदा है उसको दावत देते हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस पाकिस्तान जो है वो काम कर रही है, तो इस तरह और भी जमातें हैं जो काम कर रही हैं कम्यूनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। इस तरह काम करना चाहिए क्योंकि हमारी मसीह कौम को अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन की ज़रूरत है और अच्छी पार्टीज़ की ज़रूरत है जो कि इक्तदार में आए और मसीह कौम का साथ दें। अगर मसीह कौम का साथ देंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो कम होंगे और मसीह कौम तरक्की करेगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे वो कैमरामैन तारिक पर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।